सोलन के गीता आदर्श विद्यालय में साईं अनंत गाथा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों साईं भक्तों ने भाग लिया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साईं अनंत गाथा कार्यक्रम के दौरान कांगड़ा से आए साईं भक्तों ने साईं गाथा को गाकर सुनाया, जिससे सारा वातावरण साईंमय हो गया। कार्यक्रम का उपस्थित जनसमूह ने जमकर लुफ्त उठाया। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए साईं सेवा समिति के संयोजक प्रतीक गोयल ने बताया कि साईं अनंत गाथा में कांगड़ा से आए साईं भक्तों ने साईं बाबा के जीवन को गीतों के माध्यम से चरित्रार्थ किया, जिससे उपस्थित सभी जनसमूह भक्ति रस में लीन दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के हर जिला में आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रदेशवासियों तक साईं बाबा का संदेश पहुंचे और वे उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें, जिससे प्रदेश में एकता और सद्भावना का भाव जागृत हो और नौजवान पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना भागें। आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर सम्पन्न हुआ, वो साईं अनंत गाथा के उपलक्ष्य में किया गया। साईं की गाथा को संगीतमय करके हमारे कांगड़ा से आए हुए कलाकारों ने, जो कि हमारे साईं भक्त हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मधुरम तरीके से उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को पेश किया। और यहाँ पर पहुँचे जितने भी लोग थे वो संगीत में वशी भोर हो चुके थे। और इस कार्यक्रम को उन्होंने पूरे हिमाचल में करना है। भगवान का मात्र एक ही संदेश है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी उस पर चलते हुए, भगवान के इसी कार्यक्रम पे चलते हुए, हमने भगवान की जो अनंत गाथा गाई है कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, इसी उस पे चलते हुए हमने जो है ना ये कार्यक्रम करवाया था। और जितने भी हमारे सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन के कार्य होते हैं, वो उसका थीम सेवा ही होता है। और चाहे उसको संगीतमय हम करें, चाहे उसको हम नारायण सेवा के रूप में करें, चाहे हम बाल विकास बच्चों के कार्यक्रम के रूप में करें।